हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये कटिंग जो थी ये मैंने अपलोड की थी, जैसे पेपर कटिंग आपको बताई थी कि इसकी पेपर कटिंग ब्लाउज़ के ऊपर नाप लेके ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको पहले दिखाया था। उसके बाद जैसे अस्तर के ऊपर हमें ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ पर हमें ये साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज़ पीस है, तो इसमें ये कटिंग जो है अस्तर रख के इसकी कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी इसके बाद स्टिचिंग भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरह से खोलना है, ये हमारी सीधी साइड है तो हमें उल्टी साइड करनी है। यहाँ पे हमें ब्लाउज पीस को इस तरह से उल्टा करते हैं। यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है, ये जो है ये अंदर की साइड जो है ये सीधी साइड है और यहाँ पे हमारी ये उल्टी साइड है। तो पहले हमें क्या करना है, जैसे ये बैक साइड है बैक साइड को कट करेंगे। जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, जैसे साड़ी में से निकला हुआ जो ब्लाउज़ पीस होता है और अस्तर जो कट करते हैं इसे क्या करना है, जैसे अस्तर जो है ये परफेक्ट कट करते हैं, जैसे ज़्यादा कम नहीं लेते, जो भी हमारी पेपर कटिंग होती है उतनी आपको लेनी पड़ती है। लेकिन जब हम ये साड़ी का जो ब्लाउज़ पीस है वो कट करते हैं तो हमें आधा आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जैसे सब जगह से हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से जैसे ये जो है ये पोर्शन हमने एक्स्ट्रा लिया है तो ये हमें एक्स्ट्रा लेके ही इसकी कटिंग करनी है। अब दूसरा जो पार्ट है इसे भी हमें इस तरह से रखना है। इसे भी हमें एक्स्ट्रा लेना है और इसकी कटिंग करनी है। अभी यहाँ पे हमने ये दूसरा पार्ट जो है इसे हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग करते हैं। इस तरह से हमने इसको मार्किंग किया है। यहाँ पे भी हमें कटोरी का मार्किंग करना है। इस तरह से हमने ये कटोरी का मार्किंग किया है। यहाँ पे भी हमें क्रॉस पट्टी का मार्किंग करना है। इस तरह से हमने ये क्रॉस पट्टी का भी मार्किंग किया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसको कट करते हैं, जैसे इसको बीच में से कट करेंगे। इस तरह से हमने इसको कट किया है, दूसरा जो पार्ट था। अभी यहाँ पे हमें ये जो कटोरी का मार्किंग हमने किया है इसको भी हमें इसी तरह से कट करना है। इस तरह से हमने इसको कटोरी का जो पार्ट था
इसे भी हमें कट किया है। अब ये जो क्रॉस पट्टी है इसे भी हमें कट करना है। इस तरह से हमने ये क्रॉस पट्टी जो है इसे भी हमने कट किया है। कपड़े को हमें इस तरह से ब्लाउज पीस को इस तरह से करना है और यहाँ पे हमें ये जो स्लीव्स हैं यहाँ पे हम इस तरह से रखते हैं इसको और इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसको कट करेंगे। इस तरह से हमें इसको कट करना है। इसी बीच में से हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे हमने ये स्लीव जो है इसे हमने कट किया है। अभी यहाँ पे हमने ये इस तरह से ये पूरे ब्लाउज़ की कटिंग की है। तो यहाँ पे हमने ये पहले ब्लाउज़ को कट किया है, बैक साइड कट की है। देखिए यहाँ पे हमने ये बैक साइड जो है वो कट की है। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज़ पीस है। तो इस तरह से हमने पहले अस्तर की कटिंग की है। उसके बाद जैसे ये जो है ये हमारी फ्रंट साइड है, ये दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट है इस तरह से अस्तर के और ये साड़ी के दो पीस। इस तरह से हमने ये दो पार्ट फ्रंट साइड के कट किए हैं। ये हमारा कटोरी का कटिंग है, जैसे अस्तर के दो पार्ट है, अस्तर के दो पार्ट है और साड़ी के दो पार्ट। ये हमारी कटोरी की कटिंग हमने की है। ये ब्लाउज पीस है और ये अस्तर। यहाँ पे हमने ये क्रॉस पट्टी जो है क्रॉस पट्टी की कटिंग की है, जैसे दो क्रॉस पट्टी है और ये ब्लाउज में ब्लाउज़ की भी दो क्रॉस पट्टी है। और यहाँ पे हमारी ये स्लीव्स हैं, तो ये भी इसके अंदर हमने ये अस्तर रखा है और यहाँ पे हमने ये स्लीव्स को कट, अस्तर साड़ी में से निकला हुआ जो ब्लाउज़ है उसको कट किया है। जब भी हम अस्तर की कटिंग करते हैं तो पेपर कटिंग जो होती है तो उसको रख के हमें ये परफेक्ट कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये जो साड़ी में से निकला हुआ जो ब्लाउज़ पीस होता है इसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि ये कोई सिल्की होते हैं तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है इधर उधर सिलते वक्त। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमें ये दोनों की जब स्टिचिंग करते हैं तो तब ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है और फिर इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने आपको पेपर कटिंग भी दिखाई ब्लाउज़ के ऊपर नाप लेके कैसे नाप लेना है, ये भी इससे पहले वीडियो में देखा है। मैंने अस्तर की कटिंग कैसे करनी थी ये भी मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने ये साड़ी में से निकला हुआ जो ब्लाउज़ पीस है इसके ऊपर कटिंग कैसे करनी है ये भी मैंने आपको दिखाया है। तो अब इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं, जैसे पहले हमें इसको अस्तर को यहाँ पे जॉइंट करना पड़ता है, तो इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। बैक साइड में जो गला है इसे भी हमें जैसे कैनवास पेपर डाल के ये गला कैसे तैयार करते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, कि इसमें जैसे राउंड शेप हो या स्क्वायर में हो या कोई भी आपको डिज़ाइन बनानी हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ की। तो मैं अस्तर वाले ब्लाउज़ का नेक जो है उसका भी मैं आपको अलग वीडियो में बनाऊंगी इसका, क्योंकि आपको समझ में आए कि वो कैसा नेक तैयार करना है, इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये इसकी कटिंग जो है ये कटिंग मैंने आपको करके दिखाई है, तो इसकी स्टिचिंग जो है मैं अगले वीडियो में दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।